एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं आज 21st क्वेश्चन। पीछे वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस में 1/(√x)। अंडर रूट एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होगा। पहले तो स्प्लिट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, प्लस में 1/(√x)। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये हम इंटीग्रेशन जानते हैं अंडर रूट एक्स का, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और मल्टीप्लाई में ए होता है। ऐसे ही सिमिलरली एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है, वन, इसलिए यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, वन से हो रहा है। यहाँ पे कॉफिशेंट क्या है, ए, इसलिए यहाँ पे ए से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले जानते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का, एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1/ अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, ये होगा एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा ऊपर जाके, है ना, ये -1/2 का इंटीग्रेशन है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लिख दिया हमने, प्लस में एक्स की पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस में 1 और प्लस में सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा हमारे को, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है हमारे पास एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 यानी कि 2/3 प्लस में एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट होके एक्स की पावर 1/2 यानी कि 2/1 यानी कि 2, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे को हमेशा ही लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है 21st क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 22nd क्वेश्चन को। देखो 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, 22वां क्वेश्चन हमारे को दिया गया। अच्छा, जो 21st था इसका ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, और 22nd की हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ होता है माइनस में 3/(x⁴) होता है सच दैट, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सच दैट f(2) = 0, तो हमारे को बोला गया है देन f(x) इज फाइंड करना है हमारे को f(x) क्या है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोलने की बात कर रहे हैं। देखो f(x) तो हमारे को पता है फंक्शन होता है, और f(2) क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x = 2, यानी कि x की जगह पे 2 डाल दो तो फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर क्या है, 0 हमारे को दे रखी है, फंक्शन हमारे को दे रखा है, इसका डेरीवेटिव हमारे को दे रखा है फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का डेरीवेटिव दे रखा है और फंक्शन निकालना है। हमने क्या सीखा है, देखो यही हमने सीखा है। अब देखते हैं, फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो f'x आएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस से फंक्शन मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव दे रखा है, वापस से इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस से फंक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो हमारे को करना क्या है, बेसिकली 4x³ माइनस में 3/(x⁴) का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर चले जाएगा, x³ का क्या हो जाएगा, 3+1/(3+1) हो जाएगा, माइनस में 3 कांस्टेंट है और x की पावर -4+1/(-4+1) प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका आ क्या जाएगा, क्या जाएगा, 3+1 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस में, देखो यहाँ पे क्या जाएगा नीचे, -4+1 यानी कि -3 आ जाएगा, और -3 से -3 कट जाएगा, तो यानी कि ऊपर क्या बचेगा, प्लस में एक्स की पावर -3 प्लस में सी आ जाएगा हमारे पास
फंक्शन ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि हम एग्जैक्टली फंक्शन नहीं बता सकते हैं कि क्या है, इसीलिए हमारे को बताया गया है कि फंक्शन की वैल्यू टू के ऊपर क्या दी गई है जीरो है, यानी कि हम फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो डाल दें, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे जीरो डाल दें तो क्या हमारे को मिल जाएगा कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो की पावर माइनस थ्री प्लस में सी इज इक्वल टू क्या दी गई है फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर, सॉरी जीरो नहीं है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है एट टू दी गई है हमारे को, फंक्शन की वैल्यू एट टू दी गई है, तो यानी कि हम टू डालेंगे यहाँ पे टू रेस्ट पावर फोर प्लस में टू रेस्ट पावर माइनस थ्री प्लस में सी इज इक्वल टू क्या दिया गया है जीरो दिया गया है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें सिंप्लीफाई यहाँ कर देते हैं हम इसको तो ये क्या जाएगा 16 प्लस में 1 अपॉन में 8 प्लस में c इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गलत इरेज कर दिया, फिर से देख लेंगे, तो अब हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 माइनस 1 अपॉन में 8, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे माइनस में 128 और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि माइनस 129 डिवाइडेड बाय 8, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बताओ क्या है, ये है, ये हमारे पास कुछ शायद ऐसा था x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 3 और माइनस में सी आ रहा था प्लस में सी आ रहा था, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है माइनस में 129, मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये आ गई है, अब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से जो भी आई थी वो, तो फंक्शन के अंदर सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे को फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा मिल जाएगा, यही हमारे को निकालना था।